मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। मित्रों आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं कि जीवन बीमा निश्चित तौर पे आग्रह के विषय वस्तु है। हाँ दोस्तों, जीवन बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, तभी तो हम हर दिन, हर पल, हर मिनट, हर सेकेंड आपको सुरक्षित, आपको संरक्षित और आपको एक बड़े बीमा की बात कर रहे हैं, बड़े सुरक्षा कवच देने की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों दूसरा कटु सत्य ये भी है कि हम बार बार आपको बताते हैं, हम लोग बार बार आपको समझाते हैं, हमारे पूरे भारतवर्ष के 15 लाख अभिकर्ता हर दिन आपसे प्रार्थना करता है कि आप बीमा लीजिए, आप बड़ा बीमा लीजिए, आप अपने परिवार को बड़ा सुरक्षा कवच दीजिए, आप अपने आप को बड़े सुरक्षा के दायरे में रखिए। लेकिन ऐसा होता कहाँ है दोस्तों? होता ये है कि हर किसी को जब बीमा की किस्त दिया जाता है तो आपको दिया हुआ किस्त हमेशा बड़ा लगता है, हमेशा आपको ज्यादा लगता है, हमेशा आपको बोझ लगता है, हमेशा आपको जिम्मेवारी लगता है, हमेशा आपको लायबिलिटी लगता है, हमेशा आपको देनदारी लगता है। लेकिन दोस्तों जब हम क्लेम दे रहे होते हैं, जब हम क्लेम का भुगतान कर रहे होते हैं, जब हम डेथ क्लेम पेमेंट कर रहे होते हैं, उस समय आपके नॉमिनी को लगता है कि हमने बीमा में क्लेम अमाउंट बहुत कम दिया है, क्योंकि वो जो नॉमिनी है आपकी वो इस बात का आकलन करती है कि हमारे पति, हमारे आदमी, हमारे व्यक्ति की टोटल जीवन की कीमत मात्र इतनी सी अमाउंट। दोस्तों आप अपना कीमत खुद लगवाइए। साथ में मैं पूरे भारतवर्ष के अपने सभी अभिकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये प्रार्थना करता हूं कि मित्रों जब भी आप बीमा दें तो आप उनके नॉमिनी को पॉलिसी बॉन्ड देते समय इस बात का एक सिक्योरिटी फॉर्म भरवा लें, एक नॉमिनेशन फॉर्म भरवा लें, एक कंफर्मेशन कॉल भरवा लें कि आपके पति, आपके व्यक्ति या आपकी टोटल वैल्यू इतनी बीमा राशि की है जितनी की बीमा राशि आपने दिया है। सिर्फ सम एश्योर्ड की आप वहां पे एक क्लियरिटी करा ले। दोस्तों कई सारे केस पूरे भारतवर्ष में इस तरह के आए हैं, जब हम डेथ क्लेम का पेमेंट किए हैं वहां पे कई सारे अभिकर्ताओं का उनके अपने बीमा धारक के साथ में संबंध बहुत मधुर नहीं रह गए हैं। उसका रीजन है, उसका कारण है कि उस व्यक्ति को लगता है जिसको आप डेथ क्लेम दे रहे हैं, जिस नॉमिनी को, उनको लगता है कि उनके व्यक्ति का कीमत सिर्फ ये 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 1 लाख या 10 लाख रुपए, जो सरासर गलत है। लेकिन दोस्तों इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इस बात की तो गारंटी मैं देता हूं। निश्चित तौर पे आपके बीमा धारक जब आप बीमा बता रहे होते हैं, जब बीमा आप समझा रहे होते हैं, तो वहां पे इस तरह के ऑब्जेक्शन लेकर के आते हैं, इसी तरह की बातें और कहानियां लेकर के आते हैं जिनको सुन करके हम और आप एक छोटे बीमा राशि करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के इस काम को आपको करते रहना है। हाँ, नॉमिनेशन के द्वारा एक कंफर्मेशन फॉर्म जरूर ले लीजिए, ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि जिसमें ये बात साबित कर सके कि आपने उनको बताया हुआ है। इससे होगा क्या कि समय समय पे आप उसकी फोटो खींच करके उनको भेजते रहिए कि आपके व्यक्ति की टोटल बीमा राशि 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है या 1 करोड़ या 10 करोड़ है। दोस्तों अगर आप इस तरह से भी मार्केटिंग करेंगे, आप इस तरह से भी लोगों में जागरूकता लाएंगे, तो निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में आपको एक बड़ी बीमा राशि सेल होने का रास्ता क्लियर होगा और वहां से निश्चित तौर पे एक बड़ी बीमा राशि आपको मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों जीवन बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, आपको आग्रह के तरीके अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों जीवन बीमा तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी है। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को पुश कर दें और हमारा एक ज्ञानवर्धक वीडियो आप अपने सभी अभिकर्ता मित्रों तक निश्चित तौर पर फॉरवर्ड करें, जिससे कि उनके ज्ञान में भी वृद्धि प्राप्त हो सके। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।